हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। सो गाइस, अगर बात करें घूमने फिरने की तो रोड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग लाए हैं एक नया अपडेट मरीन ड्राइव का, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो मैं हूं अभी गायघाट में और इस मरीन ड्राइव का तीन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। पहला दीघा, दूसरा गायघाट और तीसरा दीदारगंज। इन्हीं तीनों जगहों से जुड़ने के बाद ये रिंग रोड का जो सर्कल है वो पूरा होने वाला है। तो दीघा जो कि आप देख चुके हैं, वहाँ फेज़ वन बन चुका है दीघा से गांधी मैदान, और फेज़ टू का जो काम है वो गांधी मैदान से गायघाट तक होने वाला है, और गायघाट के बाद दीदारगंज तक फेज़ थ्री का काम होने वाला है। इसे तीन फेज में बांटा जा रहा है। दीघा से अगर आप जाते हैं तो दीघा जेपी सेतु पे आप डायरेक्ट चढ़ सकते हैं, और अगर बात करें हम लोग गायघाट की तो गायघाट से महात्मा गांधी सेतु पुल से ये डायरेक्ट कनेक्ट होगी। उसके बाद बिदुपुर दीदारगंज जो पुल सिक्स लेन जाने वाला है उससे ये कनेक्ट होते हुए जाएगी। तो मैं हूँ अभी गायघाट में, आपको जैसे सामने दिख रहा होगा गायघाट पुल है, तो अभी हम लोग वहाँ जाकर भी देखेंगे कि वहाँ पे कितने हद तक इस पुल को कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये है महात्मा गांधी सेतु पुल जो कि नया नया बनकर तैयार हुआ है, और उसके पैलर भी एक पुल बनाया जा रहा है जो कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। और साइड में आप ये देख सकते हैं, ये है मरीन ड्राइव जाता हुआ, और ये है पिलर नंबर 132। तो इसी के आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि गायघाट के नीचे से किस तरह से ये मरीन ड्राइव जाने वाला है। तो जैसे कि आपको बता दें कि ये आप पिलर देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देख पा रहे होंगे वहाँ भी एक छोटा सा पिलर आपको दिख रहा होगा, तो वो बिल्कुल आ करके बिल्कुल इसके समांतर बनने वाला है। तो यहाँ पे मेन काम हो रहा है, और यहाँ पे एक चौराहा भी बनाया जाएगा ताकि वो मिल सके और आप डायरेक्ट मेन ड्राइव से होते हुए महात्मा गांधी सेतु पुल पर भी चढ़ सकते हैं। नॉर्थ बिहार के जितने भी जगह हैं आप वहाँ तक आराम से जा सकते हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा पिलर नंबर 123 जो कि बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ है, और यहाँ पे भी आपको ये पिलर के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो आपको दिख रहे होंगे जो बिल्कुल ज़मीन से सटी हुई है, और आगे जाने के बाद ये एक ज़मीन के लेवल में आ जाएगा। और उसके बाद आपको सामने भी एक छोटा सा पिलर देख रहा होगा वहाँ पर दिया हुआ है, और एक यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये पूरी तरीके से कंफर्म है कि ये यहाँ पे आने के बाद पूरी तरह से ज़मीन से जुड़ जाएगी ये मरीन ड्राइव। और जैसा कि महात्मा गांधी सेतु पुल आप देख सकते हैं, ये नया नया बनकर तैयार हुआ है, और साथ ही साथ ये नया बनने वाला है इस महात्मा गांधी सेतु के बिल्कुल पैरेलल में, जो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, और बहुत जल्द इसे भी तैयार कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये छोटे छोटे जो पिलर के स्ट्रक्चर हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं। गायघाट से कनेक्ट होने के बाद फेज़ टू का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो है वो पटना के लोगों के लिए काफ़ी राहत का काम करेगी, क्योंकि मेन जो जाम लगता है वो गायघाट से NIT के बीच में ही लगता है। तो ये फेज़ टू कम्प्लीट होने के बाद यहाँ की जितनी भी जाम की समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर होने वाली है। गांधी मैदान से डायरेक्ट लोग मरीन ड्राइव पर चढ़ेंगे, और यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाने के बाद वो डायरेक्ट गायघाट उतर सकते हैं, और गायघाट उतरने के बाद अगर उन्हें जाना हो महात्मा गांधी सेतु पुल पर तो वो यहाँ से भी आराम से महात्मा गांधी सेतु पुल पर चढ़ सकते हैं। तो इतना कुछ बदलने वाला है पटना में, रास्ते जो हैं वो काफ़ी आसान हो जाने वाले हैं। और आप अगर इस तरह से आते हैं तो पहले गांधी मैदान से दीघा जाने के लिए भी हम लोगों को काफ़ी सोचना पड़ता था और काफ़ी जाम को फेस करना पड़ता था, लेकिन फेस वन का काम हो जाने के बाद ये जो रास्ते हैं गांधी मैदान से दीघा तक के वो महज 15 से 20 मिनट तक ही रह गए हैं, लेकिन अब ये फेज़ टू का काम कंप्लीट होने के बाद रास्ते और भी आसान हो जाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, धीरे धीरे ज़मीन से इसकी ऊंचाई बढ़ती हुई आपको दिख रही होगी। तो आलमगंज में यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसके बाद आगे और भी जोड़ा जा रहा है, तो आगे भी चलते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके आगे आता है बद्रघाट, तो बद्रघाट का भी कुछ हम लोग
देख लेते हैं कि क्या अपडेट है। तो भाई काम काफ़ी तेज़ी में हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही हम लोगों को फेज टू का काम पूरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग और आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाता है सामने एक जो पिलर जो बना हुआ है इतना ऊंचा ऊंचा, ये है बद्रघाट। और अभी मैं हूँ आलमगंज और बद्रघाट के बीच में। तो ये मरीन ड्राइव गाय घाट से कुछ इस तरह से बद्रघाट से होते हुए आगे की तरफ जाने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गाय घाट में ये मरीन ड्राइव जमीन से बिल्कुल सटी हुई है और बद्रघाट आते आते उसकी जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची हो जाने वाली है। कुछ इस तरह का स्लोपिंग आपको दिखने वाला है और जब ये बनेगा तो काफ़ी देखने वाली बात होगी कि जो गाय घाट है ये मेन एरिया है सिटी का और यहाँ से जब ये कनेक्ट होती है तो महात्मा गांधी सेतु पुल से भी इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो गाइस ये था कुछ मरीन ड्राइव का लेटेस्ट अपडेट जो कि गाय घाट का था और आने वाले वीडियो में अगर और भी काम बढ़ेगा तो उसका ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ तक फेज टू का काम आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा और काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हम लोगों को गाय घाट तक की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ हंसते रहिए, खुश रहिए।